हाल ही के एक बरसाती रात में एक गहरे जंगल में एक छोटा गांव बसा हुआ था। यह गांव सुंदर वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, लेकिन उसके पास एक अनोखी बात थी जो उसे रहस्यमय बनाती थी। इस छोटे गांव में एक पुरानी मंदिर था जो कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। मंदिर के बाहर एक पुरानी चाबी पाई गई जिसे कहीं घुमाने वाला था। उस गांव में कुछ लोग यकीन करते थे कि मंदिर का रहस्यमय द्वार सिर्फ वही खोल सकता है जिसे भगवान का अस्तित्व निर्धारित करने का पूरा विश्वास होता है। लोगों को लगता था कि चाबी को खोलने से पहले किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहिए और चाबी की रक्षा के लिए जो भी देखभाल करता है उसका कहीं ना कहीं मंदिर से कुछ लेना देना होता है। एक दिन एक आवारा युवक गांव में आया और वहां के लोगों से मंदिर के रहस्य के बारे में सुनकर उन्मादित हो गया। उसने उन्मादित होकर यह निर्णय लिया कि वह चाबी को चुरा लेगा और मंदिर के अंदर देखेगा कि असली मंदिर का रहस्य क्या है। रात के अंधकार में जब गांव के लोग सो रहे थे, युवक ने बांधे हुए जंगली घोड़े पर चढ़कर मंदिर की ओर बढ़ाई। मंदिर के बाहर पहुंचते ही उसने चाबी की तलाश की और उसे अचानक एक पुरानी बंदूक के साथ मिली। चाबी के पास बंदूक थी लेकिन चाबी नहीं थी, जिससे वह थोड़ा चिंतित हुआ। उसने सोचा, शायद चाबी खोई चीज हो और इसका बंदूक से कोई संबंध नहीं है। मुझे मंदिर का रहस्य जानना चाहिए, इसलिए मैं बंदूक को रख लेता हूं, वह मेरी सुरक्षा कर सकती है। उसने बंदूक को बगीचे में छिपा दिया और उच्चतरता की ओर बढ़ाई। चढ़ते समय उसे अचानक कुछ दिखाई दिया जो उसके हृदय में डर और आकर्षण दोनों की भावना पैदा करने लगी। वह एक छोटा सा कैबिन देख रहा था जो मंदिर की चोटी पर स्थित था। वह बहुत दूर नहीं था, लेकिन उसे पयुवक ने सोचा, मुझे जानना होगा कि वह कैबिन क्या है और वहां कुछ रहस्यमय हो सकता है। शायद यह मंदिर का असली रहस्य हो सकता है। अपनी रोमांचक उत्कंठा के साथ उसने बहुत मेहनत करके चोटी तक पहुंचा। चोटी पर पहुंचकर उसने देखा कि कैबिन के दरवाजे खुले हैं। यह अद्भुत था क्योंकि उसने लोगों से सुना था कि इस कैबिन का दरवाजा कभी नहीं खुलता है। युवक ने सावधानी पूर्वक कैबिन के अंदर कदम रखा और वहां पहुंचते ही उसे एक अनूठा नजारा दिखाई दिया। कैबिन के अंदर एक बड़ी सांस्कृतिक पुस्तकालय था। यह पुस्तकालय भी बंद पड़ा हुआ था और उसके अंदर कई सदियों से कोई नहीं गया था। युवक ने देखा कि यहां पर एक अलग ध्यानार्ह पुस्तक रखी गई थी जिसका नाम था अनंत ज्ञान की पुस्तक, सच्चे रहस्यों का संग्रह। यह पुस्तक उसे रहस्यमय लगी और उसने सोचा कि यह उसे मंदिर के रहस्य के पास ले जा सकती है। वह उस पुस्तक को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे एक अलग सीढ़ी पर ध्यान गया। वह सीढ़ी भारी धूप में बड़ी अनावश्यक लग रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ खास था। उसने विचार किया, शायद इस सीढ़ी का उपयोग किसी रहस्यमय कमरे के लिए हो सकता है, मुझे यह जानना होगा। उसने धीरे से सीढ़ी पर चढ़ाई और देखा कि यह उसे मंदिर के अंदर ले जा रही थी। उसने धीरे से कदम बढ़ाए और मंदिर के अंदर पहुंचा। उसने रोमांच से भरी आंखों से देखा कि मंदिर के अंदर विचित्रता का एक समूह था। दीपों की रोशनी उस अंदाज को अभिव्यक्त कर रही थी जिससे मंदिर के अंदर अद्भुतता का वातावरण था। मंदिर के मध्य में उसने एक संकल्प कुंजी देखी जो रखी गई थी। उसने सोचा, शायद यही वह चाबी है जिसे खोलने से मैं मंदिर का असली रहस्य जान सकता हूं। वह संकल्प कुंजी को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन किंतु उसके हाथ पहुंचते ही कुछ अच्छा नहीं हुआ। बड़ी गूंज के साथ मंदिर के सभी द्वार बंद हो गए और वह प्रतीक्षा करने लगा कि कोई आए और उसे छोड़ दे। लेकिन कुछ ही समय बाद एक धारा के साथ एक गुड़िया आई और उसने कहा, युवक, तुमने गलती की है। तुम मेरी चाबी को लेने की कोशिश कर रहे थे। तुम मेरे गहनों में बंद हो जाओगे और अपनी सजा के लिए यहीं अड़े रहोगे। युवक ने भयभीत होकर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या हो रहा है? गुड़िया ने कहा, मैं एक अंधभक्त थी जो इस मंदिर के रहस्य को खोलने के लिए यहां आई थी, लेकिन मैंने अपनी अदृश्यता को संभाला और ज्ञान का संकल्प कुंजी तथा अनंत ज्ञान की पुस्तक को यहां छोड़ दिया। मेरे अंधविश्वास ने मुझे इस बंदिश में फंसा दिया है। युवक ने समझा कि वह गुड़िया एक प्रेतात्मा थी और वह अपनी पूरी कथा और अपनी भूल की सजा दे रही थी। उसने बिना सोचे समझे अपनी विश्वासघात की माफी मांगते हुए कहा,
मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी चाबी का प्रयोग किया। मैं बिल्कुल तुम्हारे अंधविश्वास के बारे में नहीं जानता था। कृपया मुझे माफ करें और मुझे छोड़ दें। गुड़िया ने विचार किया और फिर कहा, तुमने अपनी भूल मान ली है और मुझे माफी मांगी है। तुम गुड़िया को मुक्त कर सकते हो, लेकिन ध्यान दो, यदि तुम फिर से गलती करोगे तो तुम्हें एक और सजा भुगतनी पड़ेगी। युवक ने समझ लिया कि यह उसका अंतिम मौका है। उसने धन्यवाद कहते हुए गुड़िया की चाबी ली और चाबी को बगीचे में वापस लेकर गुड़िया को मंदिर से छोड़ दिया। उसने चाबी के साथ मंदिर का द्वार खोला और जब उसने देखा तो उसे चकित हो गया। मंदिर के अंदर एक अद्भुत सुंदरता का दृश्य था। चारों ओर वनस्पतियों का नृत्य चल रहा था और दीपकों की ज्योति से पूरा मंदिर प्रकाशमय हो गया था। युवक के आद्वार खुलते ही उसने एक विशाल वृक्ष को देखा जिसमें एक आवाज सुनाई दी, धन्यवाद युवक, तुमने सच्ची विश्वासघात को स्वीकार किया है और गुड़िया को मुक्त कर दिया है। मैं इस मंदिर की रक्षा करता हूं और यह तुम्हारे जैसे विश्वास योग्य और न्यायप्रिय व्यक्ति को ही खोला जा सकता है। तुम अद्भुतता के साक्षी बन चुके हो। युवक ने जोरदार सुंदरता का आभास किया और उसने गहरे ध्यान से यह अनुभव किया कि वह अपनी गलती से अनमत अद्भुतता को हराने के बजाय उसे प्राप्त करने का अद्वितीय अवसर पा रहा था। उसका मन शांत हो गया और उसने मंदिर में धीरे से पूजा की। वह उस रात मंदिर में ठहरा और अपने मन की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। अगले सुबह जब सूरज की किरणें मंदिर को स्पर्श करने लगीं, युवक ने बगीचे में अपनी यात्रा को जारी रखा। उसने सोचा, यह गांव और मंदिर इतनी गहरी रहस्यमयता से भरी हुई है। जब तक हम निरंतर विश्वास योग्य और न्यायप्रिय रहते हैं, हमें उनका आनंद और उनके रहस्य का आभास होता रहेगा। युवक ने अपने अनुभवों को गांव के लोगों के साथ साझा किया और सबने चमत्कार और आश्चर्य का अनुभव किया। इस अनोखी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि विश्वास योग्यता, न्यायप्रियता और अद्भुतता के प्रतीक एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं और रहस्यमयता को खोलने का रास्ता हमारे मन की पवित्रता और शांति में निहित है।